मेरा नाम राजेश संधू है और मैं किरंडुल एसकेएमएस ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। मेरी यूनियन एआईटीयूसी की यूनियन है और ये जो आंदोलन हो रहा है जिसमें संयुक्त पंचायत संघर्ष समिति जो इस मुद्दे को लेकर पहले ट्रेड यूनियनों के द्वारा पहले भी स्ट्राइक नोटिस प्रबंधन को सर्व किया जा चुका है और हमारा यही मानना है कि एनएमडीसी के पास में 60 साल का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी उत्खनन कार्य अगर आपको करना है तो एनएमडीसी अपने स्वयं अपने माथे पर ये कर सकती है। और जहां तक एक्सप्रेशन कॉस्ट का भी कहा है, एक्सप्रेशन कॉस्ट भी एनएमडीसी का काफी कम है बनिस्बत जो एक प्राइवेट कंपनी को अदानी समूह को जो दिया गया है, तो इसलिए हम लोग यहां बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अदानी समूह यहां पर एनएमडीसी और इस एरिए में बस्तर जैसे अंचल में यहां पर आए। ये जो संसाधन है ये किसी एक निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाना नहीं देना चाहिए, ये इसको सरकार के माध्यम से इसको संचालित होना चाहिए और जनता का इसमें जो शेयर है, स्टेक होल्डर्स जो है उनका उसमें पूरी उनका से होना चाहिए, उनकी आवाज होनी चाहिए। तो हम लोग का ये मानना है कि अगर आज के डेट में अदानी यहां पे आता है तो आने वाले दिनों में एनएमडीसी का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जब ये संघर्ष समिति के द्वारा जो ये यहां पे आंदोलन शुरू हुआ है तो हम लोगों ने निःशर्त वहां पर अपना समर्थन देते हुए हम भी इनके हड़ताल में शामिल हो गए हैं और जब तक ये हड़ताल चलेगी अनिश्चितकालीन हम लोग इनको समर्थन देते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।